आज मैं आपको बताऊंगी जस्ट 5 मिनट्स इजी एक्सरसाइजेस टू फाइनली लूज योर ब्रेस्ट फैट एंड लिफ्ट अप योर ब्रेस्ट साइज, वो भी बेड में। आप बेड पर ही लेटे लेटे बैठे बैठे आराम से ये वाली एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। ये बहुत ही जेंटल एक्सरसाइजेस हैं जो आपको टोनिंग, टाइटनिंग और आपकी ब्रेस्ट को लिफ्ट करने में हेल्प करेंगी, खास करके उन लोगों का जिनका ब्रेस्ट साइज बहुत ज्यादा होता है। जब वेट लूज करते हैं तो ब्रेस्ट सैगिंग की प्रॉब्लम होती है, अब नहीं। इन एक्सरसाइजेस को कर करके आप आसानी से अपना ब्रेस्ट फैट भी लूज कर सकते हैं और ब्रेस्ट को लिफ्ट अप भी कर सकते हैं। अभी कल की ही बात है, जब मैं वॉक के लिए निकली तो झट मेरी नजर एक लड़की पे पड़ी। वो नीचे देख के चल रही थी और मुझे लगा कि उनको ऊपर देख के चलना चाहिए, नहीं तो वो गिर सकती हैं। फिर मैंने रियलाइज करा कि उनको शर्म आ रही है, उनके बहुत ही ज्यादा बड़े ब्रेस्ट साइज की वजह से वो ऊपर देख के चलना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहती कि कौन कौन घूर घूर के उनको देख रहा है। हम लड़कियों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है जब ब्रेस्ट साइज इतना ज्यादा होता है, अनवांटेड अटेंशन मिलती है जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, फिर भी हमें उसके साथ गुजारा करना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेक में पेन, शोल्डर में पेन और बैक में पेन भी हो जाता है बहुत ज्यादा जब आपका ब्रेस्ट फैट होता है। उसके साथ साथ में पोस्चर प्रॉब्लम होती है, सीधे नहीं बैठ पाते ज्यादा देर तक और बहुत ही खिंचा खिंचा लगता है। और जिन लोगों का ब्रेस्ट साइज बहुत ज्यादा होता है उनकी लंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा कम होती है, उनके अंदर शायद अच्छे से सांस जा ही नहीं रहा। जस्ट इमेजिन कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और जिन जिन लोगों ने मेरा वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करा है और उनकी सबसे बड़ी समस्या उनका ब्रेस्ट फैट है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। चंद ही हफ्तों में उनका ब्रेस्ट फैट भी धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो कर रहे हैं अपने ब्रेस्ट फैट रिडक्शन के साथ साथ, और कुछ नहीं करते, सिर्फ ये वाली एक्सरसाइजेस जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सिर्फ वही करते हैं क्लीन ईटिंग हैबिट्स के साथ में। तो यही एक्सरसाइज आज मैं दिखाने आई हूँ उन सभी लड़कियों को जिनको ब्रेस्ट फैट की प्रॉब्लम है। आइए मेरे साथ साथ ये वाली एक्सरसाइजेस करेंगे। तो ब्रेस्ट एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम करेंगे एक वार्म अप, जिसमें हम इस प्रकार से अपनी उंगलियों को इस तरह से टाइट खोल बंद करेंगे। पूरे प्रेशर के साथ आपने करना है, अच्छे से टाइटली स्क्वीज करेंगे और इसको खोलेंगे। और अब हम अपने शोल्डर के ऊपर अपने पंजे को रखते हुए इस तरह से बड़े बड़े गोल आकार के सर्कल बनाएंगे। जितना भी हमारी आउटर ब्रेस्ट पे जितना भी फैट है जो कि हमारे ब्रा से बाहर निकलता है, उसको अच्छे से एक शेप देने के लिए ये वाली एक्सरसाइज है। धीरे धीरे करेंगे इसमें, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। अपने शोल्डर को और ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, ये बहुत ही जेंटल एक्सरसाइजेस हैं, साथ साथ मिलकर रोज करनी है आप लोगों ने। अब ये तकरीबन 10 बारी तक करने के बाद में हम प्रिटेंड करेंगे कि हमने एक बॉल को पकड़ा हुआ है और उस बॉल को स्क्वीज करते हुए हम ऊपर नीचे इस प्रकार से करेंगे। अपने हाथों के पंजों को टाइट रखेंगे, या फिर अगर आप चाहें तो अपने हाथ में एक बॉल को भी रख सकते हैं। मुझे इस टाइम अपने चेस्ट एरिया में बहुत ही ज्यादा खिंचाव लग रहा है, एकदम से टाइटनिंग सी फील हो रही है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर। अब अगली एक्सरसाइज के लिए हम इस तरह से अपने हाथों को सीधा रखेंगे, बिना एल्बोज को बेंड करे हुए हमने क्रिस क्रॉस एक्शन में करना है। और हमने अपने हाथों को सीधा नहीं रखना, जितना ज्यादा क्रॉस कर सके उतना ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल एक सीजर्स वाली जो एक्शन है करना है, पहले इसको ऊपर से करेंगे फिर नीचे, जो हाथ ऊपर है अब वो हाथ नीचे आएगा
और अच्छे से आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए ब्रेस्ट की बाहरी तरफ में और अंदरूनी। ये ब्रेस्ट अपलिफ्टमेंट टाइटनिंग टोनिंग मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, ब्रेस्ट मसल्स के लिए इट्स वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हाथ ऐसे रखेंगे और इस प्रकार से लाते हुए ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे हम अपनी एल्बो के साथ ऊपर की तरफ बॉक्स कर रहे हैं, आसमान की तरफ करना है आपने, ऐसे और ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ेगा। एल्बोज अप, बैक स्ट्रेट, अपने बैक और शोल्डर को आपने स्ट्रेट ही रखना है। कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो हमेशा अपने पोस्चर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो आपको पोस्चर करेक्शन ना सिखाए। अगर आप करेक्ट पोस्चर में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं होगा। अब अगली एक्सरसाइज के लिए इस प्रकार से अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखेंगे और आगे अपनी एल्बोज को जोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर इस प्रकार से पीछे लेके जाएंगे। अब ऐसे अपने हाथों को नहीं रखना, बिल्कुल सीधा रखना है, एक सीधी लाइन में आपकी दोनों एल्बोज आनी चाहिए। एक्सीलेंट, बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ साथ करते रहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इस प्रकार से अपने हाथों को ऊपर करेंगे और नीचे झटका लाके देते हुए इधर ही रुक जाएंगे, यहां तक नहीं लाना है आपने। एकदम से आपको एक जर्क सा महसूस होगा और एग्जैक्टली वही चाहिए हमें अपनी ब्रेस्ट के लिए, एक टाइटनिंग के लिए, एक टोनिंग के लिए। इधर ही आके रुक जाएंगे और अपनी एल्बोस को बेंड भी नहीं करना आपने। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए हमने हाथ जोड़ने हैं इस तरह से, अपनी एल्बोस को ढिलकने नहीं देना, एकदम इस तरह से सीधा रखेंगे और राइट साइड इस तरफ पुश करेगी और लेफ्ट साइड इधर, और यहां पे आपको हाथ को जोड़े रखना है। आपके चेस्ट एरिया में आप महसूस कर सकते हैं कितना ज्यादा जोर पड़ रहा है और बहुत ही ज्यादा अच्छी टाइटनिंग महसूस हो रही है, एग्जैक्टली वो जो हमें चाहिए। Release. One more time. कम से कम 10 सेकंड तक इसी पोजीशन में आपने होल्ड करना है। And release. And release. One last time. And release. Fabulous. आइए आपको एक और बड़ी ही अच्छी एक्सरसाइज दिखाती हूँ। उसके लिए इस तरह से आपने अपने हाथों को रखना है, अगेन अपने नेक के पीछे,
और हम धीरे धीरे इस तरह से नीचे जाएंगे। पूरा नीचे नहीं छूना आपने, बस इसी पोजीशन पे होल्ड करना है। एंड नाउ ऑन द अदर साइड। बस इसी क्विक एंड इजी वर्कआउट की मदद से आप आसानी से अपनी ब्रेस्ट की टोनिंग भी कर सकते हैं, टाइटनिंग भी, और ब्रेस्ट फैट को कम भी कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्रेस्ट फैट हमारी बॉडी का एक्सेस फैट होता है जो ब्रेस्ट में जमा होके हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो आप सोच के देखिए, जब बॉडी का एक्सेस फैट है तो जब बॉडी का फैट कम होगा तो ब्रेस्ट फैट क्यों नहीं। अगर आप सिर्फ स्पॉट रिडक्शन और सिर्फ ब्रेस्ट फैट ही कम करना चाहते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अपनी डाइटिंग करके और एक्सरसाइज करके, अनलेस ऑफ कोर्स आपको इनवेजिव प्रोसीजर चाहते हो, लेकिन किसी को नहीं चाहिए। घर पे आराम से क्लीन ईटिंग हैबिट्स फॉलो करिए, 3 प्रॉपर मील्स खाइए और 2 हेल्दी स्नैक्स। उसके साथ में ये वाली एक्सरसाइजेस रोज करिए, सुबह और शाम। अगर ना फर्क पड़े तो मेरा नाम बदल देना। मैं मिलूंगी आपको यहीं फिर बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ में, लेकिन तब तक ले मेरा ये वाला चैनल देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। आई विल सी यू सून। अंटिल देन टेक केयर।